हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, हम लोग आज फिर से खेलने जा रहे हैं गैस स्टेशन सिमुलेटर। तो चलो, आज के इस एपिसोड में हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि हमने एक गैस हाउस परचेस किया था जो कि बहुत ही बुरी हालत में था, और उसको थोड़ा सा रिपेयर करके हमने अपडेट किया था, पर वो ज़्यादा अपडेट नहीं था, माइनर अपडेट था। तो फिलहाल अभी मैं चल रहा हूँ गैस स्टेशन की, और आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हो, द एंटायर गैस स्टेशन इज़ क्लोज्ड। जी हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम हमने यहाँ पर अभी क्लोज कर दिया था, और इसीलिए अभी आज यहाँ पर कोई भी कस्टमर्स है नहीं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे गैस स्टेशन की ओर और देखते हैं क्या है। एक मेल आया हुआ है तो उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मेल में जाएगा और इसमें है ओपनिंग क्लोजिंग गैस स्टेशन के रिगार्डिंग, और एक है वेयर हाउस डिलीवरीज के रिगार्डिंग। ओके, और यहाँ पर है लॉक, तो इसको रिस्टोर करते $50 में। इसी के साथ अपना जो वेयर हाउस था वो अपडेट हो चुका है Level 1 में। तो चलो एक बार हम लोग चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं क्या है सीन, समझते हैं सब कहानी आज की। और ये मैं आ चुका हूँ वेयर हाउस सेक्शन में, और ये है हमारा वेयर हाउस। और ये वेयर हाउस तो हमें तब काम आएगा जब हमारा ये जो पूरा गैस स्टेशन है उसको हम अपग्रेड करेंगे, और जैसे जैसे हम इसमें थोड़ा सा स्टोर आइटम्स चालू करें, जैसे कि लास्ट टाइम ये 2 रैक्स में हमने सामान रखा था तो वो भी सेलिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तो एक बार देख लेते हैं फिलहाल है क्या। डिलीवरी में जाके सबसे पहले एक टायर्स डिपार्टमेंट लॉक बता रहा है, पर वो लॉक इसीलिए है क्योंकि अब तक हमने यहाँ से अपग्रेड नहीं किया है कुछ भी। अब जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, कोई बात नहीं, ये हम आराम से अपग्रेड कर लेंगे। सबसे पहले तो हम फ्यूल मंगा लेते हैं, ऑलमोस्ट 100 लीटर्स, जो कि आएगा $225 का, जिससे क्या है हमारा जो फ्यूल टैंक है वो रिफिल हो जाएगा, और उसके बाद हम हमारा गैस स्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और ये है हमारा वेयर हाउस का एंटर, इसको मैंने किया ओपन और कर दिया क्लोज। और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा सामान पड़ा है, बिखरा हुआ है, तो सब हमें अभी फेंकना भी है। इसमें से कई कई सामान ऐसा है कि जो कुछ काम में नहीं आएगा, जैसे ये हो गया, तो सब चीज़ हम अपडेट करेंगे। पर फिलहाल सबसे पहले हमें मेन इनकम सोर्स देखना है कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं वहाँ पे। सबसे पहले तो ये डिलीवरी टेम्पो आ जाए अपना फ्यूल टैंक वाला, तो फ्यूल रिफिल करके उसके बाद गैस स्टेशन को स्टार्ट कर देते ताकि अपना काम सही से हो जाए। तब तक एक काम करते हम लोग पेंट कर लेते, क्योंकि जितना अच्छा पेंट होगा उतना ही कस्टमर्स अट्रैक्ट हो गए अपने गैस हाउस पे। इसी के साथ ये हो चुका है ऑलमोस्ट कंप्लीट, और ये बंदा भी आ गया है, तो इससे हम सबसे पहले फ्यूलिंग का काम ख़त्म कर देते हैं। ओके सर, आइए फटाफट। और आप देख सकते हो हमारे पास अभी बैलेंस बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट $660 है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इसमें हम इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलो सबसे पहले तो ये पेंट वाला काम हम लोग ख़त्म कर देते ताकि कस्टमर हमें मिले ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, ये वन साइड ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दी है, ये फ्रंट सेक्शन भी हो चुका है, सिर्फ ये वाला एक बाकी है, तो इसको भी हाथों हाथ पेंट कर देते। फिलहाल तो अभी वाइट रख रहा हूँ क्योंकि आगे जाके हम जब पूरा अपडेट हो जाएगा उसके बाद हम लोग पेंट चेंज कर देंगे। ऑल राइट, ये हो चुका है कंप्लीट। अब एक काम करते हैं, ये जित डेकोरेटिव वाइट, ओके नो प्रोडक्ट्स, इसको एक बार हम लोग अच्छे से यहाँ पर सेट कर देते ताकि अपना काम चालू हो जाए। क्या
क्या भाई पीछे क्यों नहीं जा रहे हो? काम करते इसको है ना, यहाँ पर सेट कर देते। यहाँ पर भी ये सेट नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत परेशानी क्या है भाई? ऑल राइट, ये एक यहाँ पर प्लेस हो चुका है क्योंकि वो एम्प्टी था इसीलिए। और स्टार्ट कर, सबसे पहले तो ये रेडियो बंद करना है। रेडियो यू कांट यूज़ इट राइट नाउ। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले अभी गैस स्टेशन हम लोग ऑन कर देते हैं। ये किया ऑन, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये टर्न हो चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ भी ऑन आ गया है। ओके, डस्ट बाउल। और इसी के साथ अभी कस्टमर्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे अपने पास। प्रोडक्ट्स में हम यहाँ पर बहुत सारा सामान यहाँ से परचेस कर सकते हैं, पर उसमें भी थोड़ा टाइम है। आराम आराम से सब कुछ अपग्रेड होगा। सबसे पहले थोड़ा बैंक बैलेंस बना ले हम लोग, फ्यूल बेच बेच के। जब तक कस्टमर आते हैं तब तक हम लोग एक काम करते हैं, ये जितना भी वेस्ट है वो सबको डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं ताकि कस्टमर आने के टाइम ये वाला काम निकल जाए। ऑल राइट, अभी एक काम करते, सबसे पहले तो गारबेज वाले को ही बुला लेते हैं सर्विस में जाके, गारबेज कलेक्शन, ताकि वो आके सब गारबेज लेके जाए। और आज कमाल है, कोई आ भी नहीं रहा है, आएगा आराम आराम से आएगा। गाइज, ये वाला जो सेक्शन है वो है वर्कशॉप, मतलब यहाँ पर हम फ्यूचर में कार्स को अपग्रेड करेंगे, रिपेयर करेंगे, ये सब काम यहाँ पर होगा। मतलब बहुत कुछ है इस गेम में। चलो फाइनली गाइज, यहाँ पर कस्टमर आना स्टार्ट हो चुके हैं और एक कस्टमर तो फ्यूल पर भी आके खड़ा है। चलो इसको फ्यूलिंग करवा देते हैं फटाफट से। ओके, थैंक यू। इसी के साथ हमारा बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, कोई बात नहीं। गैस स्टोव को तो अभी ज़रूर है नहीं, इसको फ़िलहाल मैं यहाँ पर ही छोड़ देता हूँ, बाद में देखा जाएगा क्या करना है। ओके सर, आइए। ऑल राइट, एक कस्टमर आ चुके हैं, उसने टू प्रोडक्ट्स लिए टोटल। थैंक यू। चलो कोई बात नहीं, इनका भी काम हो गया कंप्लीट। वैसे अभी तो अपने पास कस्टमर्स बहुत कम आ रहे हैं, पर आगे जाके लग रहा है कि हमें यहाँ पर कस्टमर्स की लाइन मिलने वाली है, क्योंकि ये रोड पे कहीं पर भी फ्यूल पंप नहीं है और ना ही ऐसा कोई बड़ा एरिया है जहाँ पर ऐसा कुछ बन सके। तो अपने लिए तो एक प्लस पॉइंट है कि हम ये जो स्पेस है या फिर एरिया जो भी है बहुत अच्छा मिल चुका है। कोई बात नहीं, चलो कस्टमर है उसको फ्यूलिंग करवा देते कार में। थैंक यू सर। ये कौन जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे जाके। ऑर्डर है प्रोडक्ट फॉर सेल इन द डिलीवरी। कुछ तो सेल है इसीलिए यहाँ पर ये ब्लिंकिंग हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी हम लोग प्रोडक्ट्स थोड़े मंगा लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लेते हैं। टोटल 4 आइटम्स मैंने मंगाई है फिलहाल।
चलते हैं यहाँ पर और करते हैं ऑर्डर प्लेस, जिसका मुझे कॉस्ट होगा ऑलमोस्ट 194 डॉलर्स। कोई बात नहीं, के कस्टमर्स अभी आ रहे हैं बैक टू बैक, इसलिए टेंशन नहीं है। और अभी आराम आराम से हम लोग यहाँ पर भी पेंट करते जाएंगे, साफ़ सफाई भी करनी है ताकि कस्टमर अच्छा लगे। ऑल राइट, ये हो चुका है डन। इसी के साथ एक कस्टमर आ गए फ्यूलिंग में, कोई बात नहीं। चलो करते हैं फटाफट फ्यूलिंग स्टार्ट यहाँ पे। थैंक यू सर। इसी के साथ आपने देखा कि हमने एक फर्स्ट स्लॉट जो था वो बुक किया था वेयरहाउस में, और ये शायद डिलीवरी भी आने की तैयारी में है। इसको करते हैं ओपन, यहाँ से करते हैं क्लोज़। पर यहाँ पर अपने पास स्पेस बहुत कम है, तो ये सब चीज़ हमें उठाकर थोड़ी साइड पे डालनी होगी ताकि ये जो ट्रक है वो अंदर आ सके। ये से करते स्विच को ऑन। ऑल राइट, ये बंदा भी आ चुका है। चलो फटाफट इसको करते हैं ओपन, और ये अपना सामान आ गया है तो इसको भी हम प्लेस करेंगे इन रैक्स में। चलो कंप्लीट, इसके डोर हम कर देंगे क्लोज ताकि ये बंदा चला। अरे भाई डोर तो बंद करने दे। चलो कर दिया डोर क्लोज हमने, यहाँ से किया इसको शट डाउन। हम बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ एक कस्टमर और है, चलो इसका भी फ्यूलिंग स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू। फाइनली गाइस, यहाँ पर अभी हम अपना सामान रख सकते हैं, जैसे कि प्लेस ऑल प्लेस ऑल प्लेस ऑल प्लेस ऑल प्लेस ऑल। जितना हो सकेगा उतना सामान हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया कि जब ये एम्प्टी हो जाएगा तब ये शेल्फ को भी वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। और इसी के साथ फ़ोन बज रहा है, तो हम लोग ज़रा फ़ोन पे बात करके आते हैं। I see you're putting hard work into keeping your station running again, kid. Good, good. I wouldn't have it any other way. I just wanted to remind you, I'm not the only one judging your performance. Sure, your uncle knows better how to keep a business going and wants to see you flourish. But my approval only goes so far. The real approval you need to watch out for is the one given to you by your customers. If word of slander gets out, you might even sell Egyptian diamonds for free, and nobody will bat an eye. Keep those customers happy. You hear? ऑल राइट गाइज, यहाँ पर अभी एक कॉल आया था, और कॉल में ये कहा कि अपने को कस्टमर्स को खुश रखना है, जिसके लिए हो सके उतनी मेहनत करो। और जैसे ही हमने यहाँ पर देखो स्टॉक डाल दिया, तो कस्टमर्स ज़्यादा परचेस करना स्टार्ट कर दिया है। और एक कस्टमर आ गए फ्यूल में, चलो इनको भी निपटा देते फटाफट से। ओके, एक मेल आया हुआ है, मेल देख लेते क्या है। ओके, ये पॉपुलैरिटी का ही मेल है जो अभी फ़ोन आया था उसके रिगार्डिंग। और ये लड़का आ गया है, पर इसको अभी उठा के मारूँ क्या? यहाँ पर कुछ है तो नहीं? कहाँ गया है सिलेंडर? ये ही उठा के आज मारता हूँ इसके ऊपर।
कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? रुक रुक रुक, तू कहाँ जा रहा है? आया मत वापस वरना मार खाएगा। कितना अच्छा पेंट किया था यहाँ पर ये, कोई तो मास्क बनाकर चला गया, कोई बात नहीं। ओ शिट, एक बॉटल मैंने गलती से फ्री में डाल दिया है, पर यहाँ से निकलेगा नहीं ऐसा लग रहा है। ये बेचारा नाराज हो गया, कोई बात नहीं। तो हमें पॉपुलैरिटी का भी ध्यान रखना, अभी 7% है और बढ़ाना है। सबसे पहले फ्यूल मंगा लेते हैं क्योंकि फ्यूल थोड़ा कम हो चुका है। चल लेते हैं डिलीवरी में, फ्यूल ऑर्डर करते हैं। और यहाँ पर फीचर्स में एक आ रहा है पार्किंग लॉट, जो पार्किंग लॉट है वो हम अभी एक्सपांड कर सकते हैं, जिसके वजह से हमें ज़्यादा कस्टमर्स मिल सके। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ से हमें रेत हटानी होगी, तो रेत हटाने के लिए हमें जाना होगा बुलडोज़र के पास, और बुलडोज़र से ही हम इसको हटा पाएंगे। ऑल राइट गाइज, हमें और एक राउंड लगेगा ऐसा लग रहा है, पर यहाँ पर अभी एक कस्टमर आ गए फ्यूलिंग में, और एक कैश रजिस्टर में भी कस्टमर है। थैंक यू। चलो फटाफट अभी इनको भी देख लेते हैं। टोटल 3 प्रोडक्ट्स है, ये आई फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट। थैंक यू मैम। और साथ में यहाँ से फ्यूलिंग कर लेता हूँ मैं। ओके, जेरी कैन इज फुल, इसे चलो, ये भी बंदा आ गया है। चलो 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 फटाफट फटाफट, कहाँ गया भाई? चल चल फटाफट कर। आप देख सकते हैं एक प्लेन जा रहा है, बहुत ही प्यारा, छोटा सा ही है, बहुत बड़ा प्लेन है नहीं। ये कर दिया मैंने यहाँ से ऑन। वह 2 मिनट रुक जाना, फ्यूलिंग हो रही है। चलो अभी इसको लेकर हम बढ़ते हैं डंपिंग स्टेशन की ओर। ऑल राइट, चलो बढ़ते हैं फिर से वहीं पे, क्योंकि हमें 2 बार वहाँ से उठाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। और एक कस्टमर भी आया है, तो उसको भी अभी हैंडल कर लेते हैं। ऑल राइट गाइस, फाइनली यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। चलो बढ़ते फटाफट सैंड डिस्पोजल एरिया की तरफ, और ये कर दिया मैंने यहाँ पर सैंड को डंप। इसको भी इधर ही रखते, और सबसे पहले तो कस्टमर्स को हैंडल कर लेते। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से मैंने ज़्यादा ही इनको पेट्रोल दे दिया, कोई बात नहीं। यार कोई बड़ा कस्टमर आओ, ज़्यादा से ज़्यादा सामान ले जाओ। थैंक यू। इसी के साथ और एक कस्टमर है कैश रजिस्टर पे। थैंक यू यार गाइज, अपना ये बैंक बैलेंस वो बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ता है तो फिर से कुछ ना कुछ हमें परचेस करना पड़ता है, पर कोई बात नहीं।
अब एक काम करते हैं, फटाफट से इस पर बैठ के ये वाला जो एरिया है उसको थोड़ा क्लियर ही कर देते, क्योंकि तो आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक कस्टमर ऑलरेडी आ चुका है, उसको थोड़ी देर वेट करवाते। अरे भाई क्या हुआ? चलो बढ़ते हैं आगे फटाफट और देखते हैं क्या सीन है। सबसे पहले तो फ्यूलिंग कर देते क्योंकि रास्ते में ही फ्यूल है। चलो बढ़ते हैं आगे। और एक यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स लेके आंटी खड़ी है। थैंक यू। एक बार इसका ताला खोल के देखते हैं गाइस, इसका अगर कुछ मिल जाए तो। और इसी के साथ $24 मिल गए गाइस। मैंने एक ताला तोड़ दिया, कोई बात नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे। और एक कस्टमर है, उसको देख लेते। इनका भी एक बार देख लेते, चेक कर लेते खुलता है कि नहीं। ओके, $6 मुझे मिल चुके हैं यहाँ से भी। और कोई बंदा ऐसा कार पार्क करेगा नहीं करेगा। चलो ये फ्यूलिंग के लिए कार आई है। टोटल $30 तो ऐसे ही हमने निकाल लिए किसी को बिना बताए। तो चोरी करनी नहीं चाहिए, पर अभी बिजनेस में अभी हम लोग थोड़े स्लो प्रोग्रेस में, तो उसके लिए करनी पड़ रही है। चलो कोई बात नहीं, फटाफट इनको भी फ्यूलिंग करवा लेते हैं। क्या $61 का इन्होंने फ्यूल डाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चलते हैं अंदर और सबसे पहले पार्किंग लॉट जो है उसको कर लेते हैं अपग्रेड। इसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं, पार्किंग लॉट भी अपग्रेड कर सकते हैं, फिर यह टॉयलेट है। मेरे हिसाब से टॉयलेट करना चाहिए, क्योंकि टॉयलेट मेन चीज़ है गैस स्टेशन में, कि कस्टमर्स जो भी आते हैं तो उनके लिए अच्छा होगा। तो चलो सबसे पहले तो अभी साफ़ सफाई स्टार्ट कर देते। और ये रहा फाइनली अपना, ये वाला सेक्शन भी ऑन हो चुका है। और फटाफट से ले लेते हैं बैग, ये सब सामान उसमें डाल देते, बिना ज़रूर का सामान जो भी है। केक कंप्लीट। यहाँ पर भी थोड़ा सा कचरा है, इसको भी सबको साफ़ कर देते हैं। चलिए कस्टमर जब तक कैश रजिस्टर पे आए तब तक इसको बिन कर देते। चलो कोई बात नहीं, ग्रेट जॉब का सिंबल मिल चुका है। और फ्यूलिंग के लिए एक बड़ी गाड़ी आई है यार, इतनी बड़ी गाड़ी और इतना पेट्रोल तू लेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसमें तो गैस ट्रंक ही नहीं है, पर ये बंदे के पास है शायद। एक बार देख लेते हैं इसको भी ओपन करके। कि $7 हमें मिल चुके हैं और कोई बात नहीं। यस सर, आ गया आ गया, मैं टेंशन मत लो। फटाफट अभी आपके प्रोडक्ट्स को स्कैन कर देता हूँ। ओके थैंक यू वेरी मच।
ऋषि के साथ अभी फिर से फीचर्स में जाके एक बार देख लेते और क्या क्या चीज़ हम अपग्रेड कर सकते। एक तो पार्किंग लॉट है $399 का, वो भी थोड़ी देर के बाद हम लोग अपडेट करेंगे। तो चलो इतना ही रखते, क्योंकि पार्किंग लॉट में अगर हम लोग $400 अप्रोक्स दे देंगे तो पीछे बैंक बैलेंस कुछ रहेगा नहीं, और कस्टमर्स को फ्यूलिंग के भी पैसे देने मुश्किल हो जाएंगे। एक ये लड़के ने यहाँ पे पेंट किया था, बहुत ही ख़राब कर दिया है, इसको वापस से रीपेंट करना पड़ेगा। ओके कंप्लीट। इसमें हम कलर भी चेंज कर सकते हैं क्या? टू स्टार्ट अ पेंटिंग, ओके इफ़ यू थिंक। ओके यहाँ से मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो काम करते अपने गैस स्टेशन को अंदर से पेंटिंग स्टार्ट कर देते। चलो डन। और अब तक तो कोई कस्टमर दिख नहीं रहा है, इसलिए टेंशन नहीं है। चलो कस्टमर नहीं दिखे पर कार तो दिख रही है। थोड़ा इसमें से झांक लेते हैं फिर से, अगर अपने को जम गया। ओके $7। इसमें सिर्फ $4 था, कोई बात नहीं, कम पैसे बन रहे पर चलेगा। और दो दो कस्टमर यहाँ पर लाइन पे है, चलो फटाफट से निपटा देते हैं। थैंक यू मैम। चलो नेक्स्ट, फटाफट फटाफट। चलो इन्होंने कुछ 4 प्रोडक्ट्स लिए, उसमें से एक तो कॉम्बो निकला। चलो दोनों ही कॉम्बो निकला, कोई बात नहीं, अच्छा है। तो हम यहाँ पर अभी ये पेंटिंग का काम स्टार्ट ही रखते हैं। अरे यार ये वाइट कलर हो गया, चलो कोई बात नहीं। फिलहाल दो दो कस्टमर जा रहे हैं, एक फ्यूलिंग के लिए और एक अंदर जा रही है। अभी इनका भरोसा नहीं, लेंगे कि नहीं। फ्यूलिंग वाले तो डेफिनेटली फ्यूलिंग करवा कर ही जाएंगे, यहाँ पर खड़े हो जाते। इसी के साथ टास्क कंप्लीट और अचीवमेंट अनलॉक। चलो सही है गाइस, अभी तो बहुत कुछ अपग्रेडेशन का भी ऑफर मिल जाएगा हमें। सबसे पहले तो इनका काम देख लेते हैं। ओके मैडम आ गया, चलो अपने 5 प्रोडक्ट्स लिए, बहुत ही अच्छा। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। थैंक यू मैम, हैव अ ग्रेट डे। एक बार इनकी भी कार चेक कर लेते। चलो ये नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अरे पुलिस वाले की कार है, देखते हैं इसमें क्या मिलता है। सक्सेस, और $12 हमें मिल चुके हैं गाइस, बहुत ही अच्छी बात है। चलो एक कस्टमर फ्यूलिंग के लिए आए हैं, इनको फ्यूल दे देते हैं पहले। थैंक यू मैम। और ये पुलिस वाला अपने यहाँ पर ही आया है कुछ परचेस करने के लिए, 3 प्रोडक्ट्स है। और इसी के साथ अभी इसमें एक ही प्रोडक्ट पेंडिंग है, जो पेंडिंग होते ही हम इसको पीछे लगा देंगे।
यहाँ पर अभी मैंने पेंट किया था पर वाइट कलर गलती से कर दिया, तो इसको भी चेंज कर लेते। अरे यार थोड़ी गंदगी हो गई, कोई बात नहीं। कौन है भाई इतना हॉर्न क्यों बजा रहे हो? चलो कोई बात नहीं। चलो कंप्लीट। फटाफट अभी साफ कर देते हर एक जगह से जहाँ पर भी ड्रॉप गिरे। चलो अभी कस्टमर्स तो बहुत ही आ रहे हैं, अपने पास टेंशन नहीं है। और अपना जो बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट 951 डॉलर्स हो चुका है, इसको हमें कैसे भी करके 1000 के ऊपर डालना है। ओके बस अभी सिर्फ 7 डॉलर्स है और हम टारगेट हमारा 1000 डॉलर्स का कंप्लीट कर देंगे। और ये सिर्फ 1 डॉलर पेंडिंग है गाइस, कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा फटाफट से। काम करते सबसे पहले हम गाड़ी की लॉक्स खोल के देख लेते कि भाई पॉसिबिलिटीज है कि नहीं। ओके 15 डॉलर्स, और इसी के साथ हमने 1015 डॉलर्स कर लिए, टारगेट कंप्लीट। कोई बात नहीं, अभी हम सेकंड पार्किंग स्लॉट भी ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो ना ये वाला जो शेल्फ है उसको हटा कर यहाँ पर प्लेस कर देते अच्छे से। ओके कंप्लीट। और यहाँ पर अभी आइटम हम लोग प्लेस कर देते हैं ये सब। अभी सबसे पहले तो काम करते हैं कि ये रिस्टोर हो सकता है, पर मैं क्या सोच रहा हूँ गाइस, सबसे पहले हम फ्यूल सप्लाई और ये जो भी आइटम्स है उसको हम लोग थोड़ा अच्छे से देख ले, और इसमें देखते हैं क्या क्या है। रिक्वायरमेंट्स तो बहुत कुछ है, और ये वाला एक बार रिस्टोर कर देते हैं। चलो इसी के साथ अपना जो कार वर्कशॉप है वो रिस्टोर हो चुका है, और इसको भी टेम्पररी बंद रखेंगे। एक मेल आ चुका है, मेल देख लेते। ओके कोई बात नहीं। चलो कस्टमर एट फ्यूल। ओके और इसे पहले तो हम लोग फ्यूल एक मंगवा लेते हैं क्योंकि ख़त्म होने आया है। और अब भी फ्यूल हमने 200 डॉलर्स रुपीज़ में मिला, 25 डॉलर्स यहाँ पर हमें डिस्काउंट मिल चुका है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चलो इनके एक बार हाथ साफ करके देख लेते। और ये हो चुका है, 22 डॉलर्स मिल चुके हैं हमें, कोई अच्छे से अच्छा काम हो चुका है। चलो फटाफट चलते हैं यहाँ पे। और चुका है कंप्लीट। अभी सबसे पहले फिर से पेंट कर देते हैं ये सब एरियाज। ये हो चुका है डन बाहर से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक कस्टमर आके खड़े, कोई बात नहीं, इनका भी ख़त्म कर देते हैं फटाफट से। चलो डन। सॉरी यहाँ पर जाना था, और बस एक ही प्रोडक्ट, कोई बात नहीं। और ये फ्यूल वाले भाई भी आ चुके हैं। थोड़ी देर भैया शांति रखना यार, ये आराम से बहुत चलता है, थोड़ा स्पीड में चला कर यार।
फाइनली यहाँ पर फ्यूलिंग चालू हो चुका है और एक बंदा खड़ा है। नहीं कोई नहीं आया है, आ रहा है। नहीं ये भी अपने यहाँ पर नहीं आ रहा है, दूसरी जगह पर जा रहा है। कोई बात नहीं, किसी ने यहाँ पर कचरा गिरा दिया है, चलता है। ये सब अभी हम लोग अकेले कर रहे हैं, आगे जाके हम लोग यहाँ पर एम्प्लॉयज़ भी रख लेंगे जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके ये हो चुका है कंप्लीट। और अभी फिर से हम यहाँ पर फ्री टाइम में पेंट स्टार्ट कर देते हैं। वैसे तो वॉलपेपर्स का भी ऑप्शन है, उसको हम फ्यूचर में लगाएंगे। फिलहाल तो अभी हमें हो सके उतना आराम से और कम खर्च में ही करना है। कस्टमर आया हुआ है गैरेज में, पर अभी पता नहीं गैरेज का काम क्या है। यहाँ पर थोड़े पेंट गिर गया है तो इसको भी हम लोग क्लीन कर लेते हैं। ऑल राइट, बढ़ते हैं गैरेज की ओर और देखते हैं कि भाई क्या क्या दिक्कत प्रॉब्लम है। फिलहाल तो कुछ पता नहीं चल रहा है क्या है क्या नहीं। ये किया मैंने लिफ्ट कार को, यहाँ पर छोटा मोटा सामान तो है। ओके ये साइड का टायर और डोर, चलो सबसे पहले तो एक टायर ले आते हैं यहाँ से। इसको रखते हैं यहाँ पर, चलो निकालते हैं इसके अभी नट बॉल्स। ये हटाया मैंने पुराना टायर और रिप्लेस किया नया वाला। ये हो चुका है डन टायर। अभी है यहाँ पर एक मिरर भी टूटा हुआ है, मिरर वाला कहाँ गया। ओके ये रहा मिरर, इसको फिक्स करते हैं यहाँ पे फटाफट से। सबसे पहले तो पुराना वाला निकाल कर नया लगा दिया कंप्लीट। ओके यहाँ पर क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके स्क्रैच हमें निकालना है, स्क्रैच रिमूवर ये रहा और इससे भी हम स्क्रैच निकाल देते। ये मैंने हटा दिया इसका और इसने $290 दे दिए, क्या बात है, सही है भाई। चलो एक कस्टमर है फ्यूलिंग में, इनको भी अभी फ्यूल डाल देते। पुलिस वाले ने 4 बॉटल्स अभी परचेस किए। ओके ये हो चुका है डन। एक मेल आया हुआ है डिलीवरी के, आइसक्रीम तो हम बाद में देख लेंगे, चलो कोई बात नहीं। और एक कस्टमर है, इसने इन्होंने भी 4 प्रोडक्ट्स लिए हुए हैं तो चलो इनका भी काम फटाफट से करवा देते। ये हो चुका है डन। और एक लेडीज़ आ चुकी है, क्या बात है, आई है मैम। और इन्होंने भी 4 प्रोडक्ट, सही है, चलो फटाफट से ये सबको निपटा देते हैं। ये हो चुका है डन, चलो सही है। और यहाँ पर फिर से हम लग जाते हैं हमारे पेंट वाले काम की ओर। छोटा छोटा पार्ट्स बहुत लेते हैं, अगर बड़ा पार्ट्स होता तो मज़ा आ जाता। ये हो चुका है डन। और एक कस्टमर आ चुके हैं फ्यूलिंग के लिए, इनको भी अभी देखना पड़ेगा, चलो फटाफट चलते हैं वहाँ पे। और एक कस्टमर गैरेज में भी है, चलो बढ़ते हैं गैरेज की ओर। ओके सर अभी आया, अभी आया, 2 मिनट दो मुझे सिर्फ।
यहाँ पर डिलीवरी में भी आइसक्रीम भी शो हो रहा है, मतलब आगे जाके हमें आइसक्रीम भी मिल जाएगा। ओके यहाँ पर 3 टायर्स, ओके तीनों के तीनों टायर ही हमें डालने नए। चलो ये लिया पहला टायर, इसमें तो कोई ज़्यादा टाइम लगता है नहीं। और सबसे ज़्यादा पेमेंट हमें सिर्फ यहाँ से ही मिल रहा है अभी तो, इसलिए हम थोड़ा इसमें फोकस भी ज़्यादा दे रहे हैं। ये हो चुका है डन कंप्लीट। लेते हैं नेक्स्ट टायर और इनको रखते हैं यहाँ पे। ये किया मैंने, निकाला यहाँ से कंप्लीट। ये लगा दिया सेकंड। ये हो चुका है डन, अभी सिर्फ पेंडिंग है एक लास्ट टायर और उसके बाद ये भी हो जाएगा ऑलमोस्ट डन। फाइनली गाइस इसका भी काम हमने ख़त्म कर दिया, $240 हमें मिल चुके हैं। और कस्टमर है यहाँ पर, इनको देख लेते हैं एक बार। 2 प्रोडक्ट्स लेके आई है कस्टमर, कोई बात नहीं। एक कर दिया कंप्लीट, एक कस्टमर फ्यूलिंग में है, इनको भी अभी फ्यूल डाल देते हैं। यह हो चुका है डन। और एक बार फिर से बढ़ते हैं हम हमारे हाथ सफाई अभियान में, ताकि पता चले। ओके $7 ही मिले, कोई बात नहीं, चलता है। और फाइनली गाइस अभी हमारा जो बैंक बैलेंस है वो ऑलमोस्ट 1360 डॉलर्स का हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कौन है भाई, इतना क्यों शोर कर रहे हो? फाइनली गाइज हमने अंदर से तो पूरा ही पेंट कंप्लीट कर दिया है, बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। एक कस्टमर फ्यूल में भी है, एक कस्टमर गैरेज में भी है। चलो कोई बात नहीं, पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये बंदा जो कैश रजिस्टर पे है उसको हम लोग फ्री कर देते फटाफट से। ओके डन, अभी बढ़ते हैं फटाफट फ्यूल की ओर। और अभी देखते हैं गैरेज की ओर कि क्या काम करना है इनको। सबसे पहले इसको लिफ्ट करते हैं, फिर होगा इंस्पेक्शन। और तब तक के लिए हम जितना भी पुराना आइटम्स निकला हुआ है सबको कचरे के बिन में डाल देते हैं। और इनको है एक टायर और एक साइड मिरर, कोई बात नहीं, ये करते हैं साइड मिरर को इंस्टॉल। ओके डन, ले लेते हैं टायर फटाफट। यहाँ पर टायर भी रिप्लेस कर देते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। और ये हो चुका है टायर रिप्लेसमेंट, डाल दिया मैंने यहाँ पर नया टायर। ओके ये हो चुका है डन, $180 मिले हैं, बहुत अच्छी बात है। और यह कस्टमर यहाँ पर खड़ी है, चलो ये हो चुका है डन। अभी सबसे पहले मैनेजमेंट में जाते हैं और इसको टेम्पररी बंद रखते हैं, ठीक है, ताकि अपना जो काम है वो थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि हर एक जगह पे भागा दौड़ी थोड़ी मुश्किल उसी हो रही है। पर कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज कर लेंगे इस बार। चल
सबसे पहले तो अभी यहाँ पर हम लोग पेंट करते हैं। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है, पर चेंज करेंगे पेंट। फाइनली गाइस, हमने 1627 डॉलर्स कंप्लीट कर लिए हैं, कि बहुत अच्छी बात है। और ये बंदे ने अभी 5 प्रोडक्ट्स लिए। ये हो चुका है डन। और अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब चीज़ को अपग्रेड करते जाएंगे। कंप्लीट मोर ऑब्जेक्टिव्स टू अनेबल गैस स्टेशन। ओके, ओल्ड मनी रिक्वायर्ड 700। तो भाई प्रॉब्लम क्या है, कोई बात नहीं। वर्कशॉप है, वेयर हाउस है। फीचर्स में देख लेते हैं हम और क्या क्या चीज़ अपग्रेड कर सकते हैं। पार्किंग लॉट है, चलो इसको अपग्रेड कर लेते हैं। और सेकंड पार्ट में देखते हैं कि क्या दूसरा चीज़ अवेलेबल है। टॉयलेट में तो अभी कुछ दिखा नहीं रहा है, इसलिए कोई टेंशन है नहीं। फिर देखते हैं अपग्रेड्स में, तो चलो हो चुका है। गैस स्टेशन लेवल 3 पर हम लोग पहुंचा देंगे जल्द से जल्द, कोई बात नहीं, चलो सही है। ओके, एक आंटी जी आ रही है, इनका काम निपटा देते हैं फटाफट से। और ये आंटी ने टोटल 6 प्रोडक्ट्स लिए, क्या बात है। एक कस्टमर भी है फ्यूलिंग में। अभी तो हमारे को और से और कस्टमर्स मिल जाएंगे, क्योंकि पार्किंग स्पेस हमने बढ़ा दिया है। अभी काम करते हैं, थोड़ा सामान भी मंगा लेते हैं। कहाँ गया, डिलीवरी में जाके प्रोडक्ट्स में जाएंगे। सॉफ्ट ड्रिंक मंगा लेते हैं हर एक टाइप की। ये किया यहाँ से ऑर्डर। और शेल्फ भी थोड़े से मंगा लेते हैं सॉफ्ट ड्रिंक के। चलो कंप्लीट। ट्रैश भी फुल हो चुका है, ये सबको अभी हटा देते हैं। चलो 2 प्रोडक्ट्स लेकर आई है मैडम, कोई बात नहीं। थैंक यू मैम। एक काम करते हैं, अभी शेल्फ लिया है, चलो सबसे पहले डिलीवरी आ जाती है, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि नए शेल्फ में हम और सामान भर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे डाउट है कि नए शेल्फ में स्पेस बचेगा। कोई बात नहीं, बचेगा तो वो हम वापस से रीऑर्डर कर देंगे। ये हो चुका है कंप्लीट। और हमारी सप्लाइज भी आ चुकी है, बढ़ते हैं वहाँ पर। चल चल भैया, फटाफट से आ जा। ये आ गई हमारी पहली डिलीवरी और ये दूसरी। अभी दरवाज़ा बंद करने का तो टाइम दे मेरे दोस्त। चलो कंप्लीट। यहाँ से करते हैं इसको डाउन और बढ़ते हैं गैरेज की ओर, क्योंकि वहाँ पर गैरेज नहीं, सॉरी, फ्यूल स्टेशन की ओर, क्योंकि एक कस्टमर फ्यूल पे और एक कस्टमर यहाँ पर भी है। सबसे पहले फ्यूल वाले को निपटा देते हैं, फ्यूल का भी ऑर्डर दे देते हैं। चलो फटाफट से डिलीवरी। फ्यूल 175 डॉलर्स, क्या बात है, सही है। ओके थैंक यू। अभी हम क्या करेंगे, शेल्फ ले गए जो हमने परचेज किया था और उसको प्लेस करेंगे ये वाले सेक्शन पे। के डन करते हैं इसको भी अभी रिफिल। ओके, यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सब टाइप के कैंस रख दिए।
और यहाँ पर अभी हम रखेंगे बॉटल्स, क्योंकि ऑरेंज तो यहाँ पर है, ऑरेंज को यहाँ पर प्लेस कर देंगे, प्लेस ऑल। ओके, अभी थोड़ा फ्रिज अपना भरा भरा सा लग रहा है। इसी के साथ एक अचीवमेंट अनलॉक ऑल हो चुका है, डेजर्ट सेंसेशन, बहुत ही अच्छी बात है। और एक कस्टमर है, क्या बात है, क्या बात है। ये लिया फटाफट से, और एक है क्या? हाँ, सॉरी 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 सर, कोई बात नहीं, सॉरी सर, कोई बात नहीं। थोड़ा क्लीन कर देते हैं। और यहाँ पर क्या बच्चा आया? नहीं, चलो अपना फ्यूल वाला भी आ चुका है। 1 मिनट सर। एक बार ये फिर से अपन ऑन करके देख लेते हैं। ये नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। थोड़े के लिए, और चलो इतने बार सायरन बज गया, कोई बात नहीं। एक बार यहाँ पर खड़े हो जाते हैं दूर, और वो बंदा भी बेचारा भाग भाग कर आ गया है। चलो बढ़ते हैं आगे फटाफट से। 5 प्रोडक्ट्स, क्या बात है। और आप देख सकते हो अभी लाइन बढ़ने लग गई है कस्टमर्स की, बहुत ही अच्छी बात है। चलो चलो फटाफट फटाफट। ओके कंप्लीट, 7 प्रोडक्ट्स, हाईएस्ट प्रोडक्ट्स आज के डेट में आए मैडम ने लिए, बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही मैडम शॉपिंग करते रहिए और हमारे सेल्स को बढ़ाते रहिए, बहुत अच्छी बात है। चलो फटाफट से सब निपटा देते हैं। और ये हो चुका है कंप्लीट, और इसी के साथ हमने कमा लिए है टोटल $826। चलो सही है। ओके डन। फाइनली गाइस, बहुत ही आज काम कर लिया है हमने, अच्छा भी लग रहा है। और अपडेट पे अपडेट होते जा रहा है गैस स्टेशन, जो कि बहुत ही अच्छी बात है।
कस्टमर आ चुका है, एक बार हैंडल कर लेते हैं। चलो 5 प्रोडक्ट सही है। और ये हम आ चुके हैं 5 प्रोडक्ट्स कंप्लीट। और एक मैडम भी आ चुकी है फ्यूलिंग के लिए, कोई बात नहीं। चलो सही है। फाइनली गाइस हमने $945 कंप्लीट कर लिए है। अभी देखते हैं और कितना क्या क्या काम है। और बाहर में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे मेरा ये डंपर देखना था कि कोई चोरी करके नहीं लेके गया है, क्योंकि यहाँ पर ही मैंने छोड़ दिया था सुबह से, तो किसी ने चोरी किया नहीं है, बहुत अच्छी बात है। फाइनली गाइस ये हो चुका है डन। और एक भाई साहब आ चुके हैं। चलो फटाफट। हेलो सर, कैसे हो? ये हो चुका है डन। थैंक यू सर। और एक कस्टमर आ रही है, चलो यहाँ पर ही वेट कर लेते हैं। ओके 3 प्रोडक्ट्स लेकर आई है। ओके डन। और फाइनली हमारे को और कस्टमर्स मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले तो ये जितने भी वेस्टेज है सबको क्लीन कर देते हैं। कंप्लीट। चलो करते हैं यहाँ पर फ्यूलिंग। थैंक यू सर। और अभी देख लेते हैं कि हम यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हैं कि नहीं। अभी भी नहीं, और थोड़ा हमें हेल्प की ज़रूरत है। शायद लेवल 3 कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, लेवल 3 भी हम कंप्लीट कर देते हैं। चलो बाहर सब जगह पे एक बार राउंड लगा लिया है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। फिलहाल अभी हम पेंट करने का सोच रहे थे, वही कंटिन्यू रखेंगे। वॉलपेपर्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं पर वो इतने भी अच्छे लग नहीं रहे मेरे हिसाब से। यार यहाँ पे तो एक बार पेंट हो चुका है, गलती से मैंने वाइट कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी अभी वाइट ही कर लेते। ओके डन। थैंक यू मैम। ऑल राइट गाइस, यहाँ पर अभी काम करते करते रात हो चुकी है और हमें कमा लिया है ऑलमोस्ट $1,000। फाइनली अभी इस गैस स्टेशन को टेम्पररी शट डाउन कर देते हैं। ओके इसी के साथ अभी हमारे सब कस्टमर्स चले जाएंगे, क्योंकि हमने गैस स्टेशन को क्लोज कर दिया है। तो चलो गैस इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं, मिलते किसी न्यू एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।